भगवान विश्वकर्मा की जयंती के पावन अवसर पर यूपी के लखनऊ में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर और शिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि अनेक अलग अलग क्षेत्रों के कारीगरों ने अपनी प्रतिभा से सभी की जरूरतों को पूरा किया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और विश्वकर्मा जयंती की सभी को बधाई दी। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर जो यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। 2014 में जब हमें आप सबका आशीर्वाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो हम सभी ने सरकार में आने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि हम भारत की इस महान विरासत और भारत की इस महान परंपरा को समृद्ध बनाने की दिशा में जिस हद तक हमको काम करना होगा हम काम करेंगे। हम इसको पुनर्जीवित करेंगे। अपने हुनर हाट और उस्ताद योजना जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम से आपकी विरासत को न सिर्फ संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि आप जो सामान बनाएं उसकी भारत तथा देश दुनिया की मार्केट में डिमांड बढ़े, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी यदि मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश की जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत में ही बने, और इससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और हम आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग धंधे करने के लिए नए तौर तरीके से आप सभी परिचित हों, और ट्रेनिंग का मतलब कि सरकार आपको नई नई चीजें सिखाएगी, पर इसके साथ साथ यह भी सही है जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे बाजार भी बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं और साथ ही लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। साथियों, गहना तो क्या, अब मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव चौराहे चौराहों की दुकान पर अब हंसिया, कुदाल और फावड़े भी बड़ी कंपनियों के द्वारा निर्मित बिक रहे हैं, और ऐसे में आप सभी बहनों भाइयों को भी इस बात की जरूरत है कि आप नई नई चीजें सीखें, नए नए आप तकनीक अपनाएं और अपने काम को आप सभी आगे बढ़ाएं, यह मेरा आपसे आग्रह है। इसलिए सरकार इस चीज की व्यवस्था कर रही है कि आपको यह सब चीजें सिखाई जाएं, आपको यह सिखाया जाए कैसे कम से कम पूंजी लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें, यह सिखाने की व्यवस्था पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से है। बहनों भाइयों, हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, हम जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, हम जनता की समस्याओं को समझते हैं और उसका समाधान करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, एक महज संयोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो भारत दुनिया के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए आशा की एक नई किरण है। G20 के अभी हाल ही में संपन्न हुए समिट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी के
पावन जन्मदिन के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं अपनी शुभेच्छा और अपनी शुभकामना उनके प्रति हम सब व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई योजना को शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो एक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति हम सबके सामने हुई है। वे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं। लखनऊ की विकास को सदैव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी की राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अद्भुत कार्य उन्होंने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व और कृतित्व से किया है, इसके लिए लखनऊ वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम।